नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और ये है वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज का 31वां एपिसोड। कुछ सवाल हैं आपके, कुछ सुझाव हैं और आपके सुझाव बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आज जो बैकग्राउंड चेंज है, कुछ नया लग रहा है, वो केवल आपके सुझावों की वजह से ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से, जो पूछा है सुखी सोनी जी ने। ये बोलते हैं सैमसंग गैलेक्सी A6s लॉन्च डेट इन इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि A6s या फिर A8s इंडिया के लिए बने हैं, वो चाइनीज मार्केट के लिए ही बने हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में वहां वो लॉन्च हुए हैं वो यहाँ फिट नहीं बैठते, तो उनका भारत में आना थोड़ा मुश्किल है। भारत के लिए ए सीरीज के कई और मॉडल हैं, जैसा कि कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था गैजेट 360 पर, जहाँ बताया गया था कि जी 2019 की पहले 6 मंथ में ही लगभग 9 फोन आने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के, तो उनमें से कुछ हो सकते हैं भारत के लिए, बाकी का A8s और A6s तो मुश्किल ही लगता है। अगला सवाल विकी कुमार जी का, ये बोलते हैं हैशटैग फोन हिंदी, भाई मैं सैमसंग का J8 यूज कर रहा हूँ, क्या मुझे सैमसंग के आने वाले M20 M30 फोन पर अपग्रेड करना चाहिए, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। तो भाई गैलेक्सी J8 और मुझे लगता है M20 में कुछ खास डिफरेंस नहीं होने वाला, ये लगभग एक से रहने वाले हैं, या हुआ भी तो M20 में इतने ज्यादा खास अपग्रेड करने के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ गैलेक्सी J8 से M30 में अपग्रेड करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर आप गैलेक्सी J8 आज के टाइम में यूज कर रहे हो तो A7 2018 उससे बहुत ज्यादा अच्छा है और आप अपग्रेड कर सकते हो, और ये जो M30 आएगा वो A7 2018 का भी अपग्रेड वर्जन होगा, तो बिल्कुल आप M30 पर अपग्रेड कर सकते हो। अगला सवाल है अंकुश राज जी का, जो बोलते हैं वो जो आपने USB केबल परचेस किया था बहुत पहले, जिसका एंड स्टील कलर का कलर में था, वो अब भी काम कर रहा है क्या, हमारे सिटी में वो नहीं मिल रहा है, अगर लिंक सेंड कर सकते हो तो लिंक सेंड कर देना। मुझे लगता है आप कुछ आई हैव करके एक यूएसबी केबल था, सैमसंग ऑफिशियल उसकी मार्केटिंग कर रहा था भारत में, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो भाई वो मैंने परचेज किया था, यूएसबी केबल बहुत ज्यादा कमाल था, आज भी मेरे पास है, अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन अभी सैमसंग ने उसकी मार्केटिंग कर दी है बंद, यानी कि भारत में वो हेडफोन वो यूएसबी केबल आपको नहीं मिलेगा। मैंने वो सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से ही परचेज किया था उस टाइम, लेकिन उसके बाद में दोबारा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब वो ऊपर से आ ही नहीं रहा, तो सॉरी। अगला सवाल मोहम्मद आदिल जू 6 का, हैशटैग फोन हिंदी, भाई तुम्हारी क्या राय है सैमसंग की आने वाली सीरीज M सीरीज, जिसे M10 M20 M30 की वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाली है क्या, और तुम उनका रिव्यू करोगे? तो भाई नो डाउट M10 M20 M30 तीनों ही डिवाइसेस का रिव्यू आपको फोन हिंदी पर जरूर मिलेगा, जैसे ही मार्केट में अवेलेबल होंगे तुरंत उनका खरीद के रिव्यू करूंगा। बाकी की बात रही वैल्यू फॉर मनी की, तो जो अभी तक स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं उस हिसाब से लगता है कि पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, और इस बार जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं वो वैल्यू फॉर मनी है, बाकी का डिवाइस हाथ में आने के बाद या कंफर्म स्पेसिफिकेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि फोन में कितना दम है। इसी में आपका दूसरा सवाल है रेडमी नोट 7 का, क्या ख्याल है वो अपना रेडमी ग्लोबल लॉन्च करेगा? तो नो डाउट रेडमी नोट 7 ग्लोबली लॉन्च होगा, इसके अलावा रेडमी नोट 7 प्रो जो आने वाला है वो भी ग्लोबली लॉन्च होगा, और दोनों ही डिवाइसेस भारत में जल्दी ही आएंगे, अब वो फरवरी में आए या मार्च में आए उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले हैं और 100% आएंगे। अगला सवाल सूर्य परिहार जी का, हैशटैग फोन हिंदी, भाई ओप्पो F9 और वीवो V9 प्रो को कंपैरिजन डालो यार, क्योंकि ये दोनों ही फोन है कि 18,000 में बेस्ट हैं ओप्पो और वीवो के, विद ग्रेट प्रोसेसर एंड डिजाइन, करके देखो भाई बाकी आपकी इच्छा। तो सूर्य परिहार जी आपका सजेशन मायने रखता है, मैंने पहले ही इसे बोला था, तो सजेशन अच्छा है, लेकिन मैं भी इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि फिलहाल मैंने ओनर 10 लाइट ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला है, इसके अलावा वीवो और ओप्पो के कुछ सस्ती रेंज के फोन भी है, जैसे कि ओप्पो A7, इसके अलावा वीवो Y95, वीवो Y91, इनका रिव्यू करना है, इसके बाद मुझे लगता है एम सीरीज तब तक आ जाएगी, तो मुश्किल है, लेकिन अगर टाइम मिला तो जरूर करूंगा। आखिरी कुछ सवाल मोहम्मद अरशाद जी के, हैशटैग फोन हिंदी, सबसे पहला भाई पहले मैं सोचता था कि पबजी क्या है, जहां सुनो वहां पबजी, जब मैंने डाउनलोड किया तो भाई पूछो मत, ऐसा लगता है ऐसी लत लग गई है, 12 बार चिकन डिनर कर चुका हूं भाई, मैं यूट्यूब भी नहीं चला पा रहा हूं पबजी की वजह से, तुम्हारी आईडी क्या है, ग्रुप में खेलेंगे किसी टाइम? तो भाई मैं भी जो करंटली फोन यूज कर रहा हूँ उसमें पबजी इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता मैंने किस नाम से बनाई थी, बहुत जल्दी ही मैं अपना अपग्रेड करने वाला हूँ फोन, गैलेक्सी S7 थोड़ा पुराना है, बट मैं गैलेक्सी S7 ही चलाऊंगा, उसका ऑर्डर कर दिया, मैं सारा रीजन बताऊंगा क्यों मैं गैलेक्सी S7 चलाने जा रहा हूँ, क्या मतलब वो सारी चीजें, तो गैलेक्सी S7 चलाऊंगा तभी मैं पबजी इंस्टॉल करूंगा, तभी आपको बता दूंगा कि मेरी आईडी क्या है। इसी में सेकंड आपका भाई Asus ZenFone Max Pro M2 वर्सेस Realme U1 का बैटरी चार्जिंग टेस्ट करना, तो Asus ZenFone Max Pro M2 मैंने परचेज नहीं किया, इसीलिए ये वाला टेस्ट पॉसिबल नहीं है।
तीसरा भाई मुझको किसी को दो फोन गिफ्ट करने हैं 10,000 के अंदर में, तो Asus ZenFone Max Pro M1 और Asus ZenFone Max M1 देने की सोच रहा हूँ, क्योंकि दोनों में चलाए हैं और दोनों में ही पोर्ट्रेट मोड है। तो भाई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है। बाकी का Asus ZenFone Max Pro M1 मैंने यूज किया था और फ्रंट कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कमाल की नहीं थी, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा Asus के साथ। इसके अलावा मैंने Asus M2 भी यूज किया, वहाँ भी सेम इश्यू देखने को मिले हैं, मतलब कैमरा डिपार्टमेंट उतने ज़्यादा दमदार नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा आप चलो Asus ZenFone Max Pro M1 एक हो गया, दूसरे में आप चाहो तो Honor 9 दे सकते हो। 8,500 रुपये में फ़ोन एकदम कमाल का है, और HDFC का कार्ड वो तो 850 रुपये का डिस्काउंट भी आपको, सॉरी वो तो आज खत्म हो गया, कल तक मिल रहा था। तो अगर आने वाली सेल में ऐसा कुछ हो तो Honor 9 आप परचेज कर सकते हो, 850 रुपये का डिस्काउंट HDFC या किसी और कार्ड से आपको और मिल जाएगा 10% का, ना भी मिले तो 8,500 रुपये में Honor 9 तो आपको मिल ही जाएगा। बहुत कमाल का फोन है, रियर पर डुअल कैमरा भी है और डिजाइन भी एकदम कमाल का है। चौथा भाई मैंने तुम्हारी पुरानी वीडियोस देखी, तुम पहले इतनी जोर से बोलते थे और अब कितनी तमीज से बोलते हो। थैंक यू भाई, अगर आपको अभी करंटली मेरा जो काम है जो वर्क है वो अच्छा लग रहा है। और लास्ट भाई मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम पिछले 3 हफ्तों से Q&A नहीं कर रहे हो, प्लीज अब से हर वेडनेसडे Q&A करना, पूरी पूरी कोशिश करूंगा अरसान भाई के हर वेडनेसडे Q&A जरूर हो। तो दोस्तों यही था इस बार की वेडनेसडे वीक ऑफ सीरीज में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपके सुझाव मिलते हैं जो आपका सपोर्ट मिलता है वो ऐसे ही बनाए रखिए। तो अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।